हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम घूमने जा रहे हैं इंडिया गेट पे। और आज ये हम सोचे हैं कि बहुत दिन हो गया था, हमने बहुत दिनों से कुछ वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा है जाके इधर ही घूमते देखते वीडियो डाल देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। और वीडियो में आज बहुत मज़े आने वाला है, और आप देख सकते हैं हम पहुँचने वाले हैं इंडिया गेट पर। थोड़ी देर में ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आपको वहाँ के सारे व्यू दिखाएँगे और आप लोग भी मज़े करिए। और हम चाहते हैं कि हमें इतने अच्छे वीडियो भी नहीं बनाने आता, फिर भी हम तो आपको पता ही है जो भी टाइम वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं ताकि आप लोग एंजॉय करिए और हम भी कर लेते हैं। अपना क्या जाता है, मतलब डाल देते हैं वही है। आप चलिए ठीक है, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो भी ऐसे ही घूमते फिरते डालेंगे तो आपके पास भी पहुँच जाए प्लीज। और कमेंट भी कर दीजिएगा कोई अच्छा सा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मुरमुरे कितने सारा भीड़ भाड़ इलाका है, सारे फालतू की चीज़ें इधर मिलता रहता है, खाने वाले तो खाते ही रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, जो भी मिल जाए वो कुछ भी आपको खाते पीते नज़र आएंगे। यहाँ आदमी खाते बहुत है, चटर पटर हो ऐसे टाइप के, पर क्या करें हमें तो ये आदत है नहीं। प्रतिमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है ये, आप देख सकते हैं ये रात में है, थोड़ा अच्छा सीन बनता है, तो हमने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दो जाते जाते। आप देख सकते हैं ये सब बनाया गया है, सारे काफी अच्छा है और ये बनाया गया है। और यहाँ पे ये सब ही है जो अच्छा लगता है, थोड़ा एरिया भी साफ सुथरा है, बहुत ज्यादा साफ होते हैं, आपको मैं दिखा दी नहीं सकूँ। वाटरफॉल भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, का टाइम हो गया है, शाम का टाइम में ये थोड़ा फोटो भी ऐसे साफ नहीं आ रहा है, मगर आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल काफी सुंदर होते हैं, कितना मजेदार है। पानी की आवाज आपको यही सुनने को मिलेगा ना, दिल्ली में बहुत कम है ऐसे झरने। सुभाष चंद्र बोस जी का वो है, उसको भी आना देना, काफी सुंदर है यहाँ पे व्यू, आप देख सकते हैं ये देखिए सबसे पास का व्यू वही है, और इससे ठीक सामने आपको पीछे थोड़ा सा दिख रहा होगा वो राष्ट्रपति भवन है, और आगे जाके हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं, इनके बीच वाले में शायद नहीं जाने देते हैं, मगर कोशिश करते हैं हम जाएं और आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश करें। आप पीछे देख रहा होगा वो राष्ट्रपति भवन है, छोटा सा पिल्लू बहुत दूर है यहाँ से, मतलब पास में ही है, यहाँ मोबाइल में ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये काफी ऊंचा है बहुत ज्यादा, आप देखिए तो पता चल जाएगा कितने हाइट पे है। हम तो यहाँ आते रहते हैं क्योंकि हमारा कमरा यहीं पास में है, तो इनसे ही होता है, क्या करें, आ जाते हैं संडे को यहीं पे घूमने फिरने, तो सोचे कि आप लोगों को भी दिखा दें। और आज हमारे साथ में अंकल जी भी हैं, आप देख सकते हैं, सबको हाय कह दो, आप भी कह दो, इधर भी हाय कह दो। हाँ, तो आज हमने सोचा था कि संडे को घूम रहे हैं, घूमते घूमते इधर ही एक वीडियो बना देते, बहुत दिन हो भी गए थे बना नहीं पाए थे, तो बना लेते हैं एक वीडियो। इंडिया गेट के बाहर का व्यू है भाई, आप देख सकते हैं कितने गाड़ी एनी टाइम चलता रहता है यहाँ पे, हमेशा आपको ऐसे ही भीड़ भाड़ देखने को ही मिलेगा, क्योंकि इधर गाड़ियों की पता नहीं कहाँ से इतने आ जाते हैं, हमेशा जाम ही लगे होते हैं, इतने ट्रैफिक रूल है फिर भी ये हाल है। ये देखिए आप पार्किंग एरिया में कितने भीड़ लगा है यहाँ पे, हमेशा आदमी आपको यहाँ पे भरे भरे ही मिलेंगे, और कीचड़ भी है यहाँ, पानी पटाया जाता है ताकि ये जो घास है खराब ना हो, इसीलिए यहाँ पे पानी डाला जाता है, बहुत बहुत वो होता है कीचड़, फिर भी आदमी को देखिए आप कितने भरे हैं, ये सारे आदमी हम थोड़ा साइड से दिखा रहे हैं वैसे तो, क्योंकि भीड़ भाड़ में वीडियो सही से बन नहीं रहा था, इसलिए हम इधर आ गए हैं और आपको सोचे कि दिखा देते हैं।
इन्हीं पेड़ों पे सारे चुनचुना रहे हैं, देखिए कितने सारा है, बहुत सारा होंगे पक्षी, तो अच्छी लगता है उसे आवाज़ सुन के हमें भी। ये काफ़ी अच्छा है, जो ज़्यादातर आप यही देखते होंगे हर वीडियो हर जगह ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा ये। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा रास्ता दूसरा है तो इधर से घूम के जाना होगा हमें। और इधर ये सुभाष चंद्र जी की पुतला है, सुरक्षा के भी यहाँ करे एग्जाम होते हैं एनी टाइम, आपको यहाँ पे पुलिस वाला सब घूमते ही रहते हैं और देखते हैं, गाइड करते हैं सबको इधर उधर, कुछ उल्ट ना करे, ऐसे ही है क्योंकि उनको पता है ज़्यादा वो करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सब पे नज़र रखते हैं, रखना भी चाहिए, ज़रूरी है। अब हम आपको एक वाटरफॉल दिखाएंगे जो काफ़ी सुंदर है, अभी वो रात को थोड़ा और अच्छे हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्मारक जो शहीदों के नाम बनाए हैं मोदी जी, उन्हीं की ये लाइन लगे होते हैं सारे, काफ़ी यहाँ काफ़ी लंबा लाइन लगे होते हैं, आप देख सकते हैं कितने दूर तक लगे हैं। प्रवेश फ्री है इसकी बिल्कुल। तो ये जो लाइन में लगा है ये वो जो अमर शहीद का बनाए हैं, नहीं उसकी मोदी जी ने भी बनवाए हैं उन्हीं का है ये, इतने भीड़ लगे होते हैं, काफ़ी लंबा लाइन में लग के कोई फ्री होते हैं, काफ़ी है ये, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है।